नमस्कार, स्वागत है आपका लोकमत न्यूज़ हिंदी में। मैं हूं कोमल बड़ूदेकर। आज हम बात करेंगे एससी एसटी एक्ट के मुद्दे पर, एक ऐसा मुद्दा जिससे देश भर का माहौल गर्म है। दलित संगठन सड़कों पर है और केंद्र सरकार की पुनर्विचार याचिका को भी सुप्रीम कोर्ट ने आज झटका दे दिया है। क्या है एससी एसटी एक्ट? आखिर क्यों सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया और क्यों दलित संगठन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का विरोध कर रहा है? इस मामले को समझने के लिए हम चलते हैं आज से 9 साल पीछे, यानी साल 2009 में, जहां महाराष्ट्र में एक सरकारी फार्मेसी कॉलेज में एक दलित कर्मचारी ने दो गैर दलित अधिकारियों के खिलाफ एससी एसटी एक्ट की कानूनी धाराओं के तहत शिकायत दर्ज करने की मांग की। पुलिस अधिकारी ने जांच के लिए उच्च अधिकारी का लिखित निर्देश मांगा। इस मामले में प्रभारी डॉक्टर सुभाष काशीनाथ महाजन ने लिखित में कोई निर्देश नहीं दिया, जिसके बाद दलित कर्मचारी ने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और सुभाष महाजन पर शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद महाजन ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पाया कि इस कानून का गलत इस्तेमाल हो रहा है और उसने 20 मार्च को फैसला सुनाते हुए अग्रिम जमानत पर रोक लगा दी। 20 मार्च को आए सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद से ही दलित संगठनों में गुस्सा देखने को मिल रहा है। दलित संगठनों का कहना है कि इससे दलितों पर अत्याचार बढ़ेंगे। वहीं इसके पक्षधरों ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया है। दरअसल एससी एसटी एक्ट यानी अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम को 11 सितंबर 1989 में भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया था। इसे 30 जनवरी 1990 से जम्मू कश्मीर को छोड़ पूरे भारत में लागू किया गया। यह अधिनियम हर उस शख्स पर लागू होता है जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है। इस अधिनियम में 5 अध्याय एवं 23 धाराएँ हैं। यह कानून अनुसूचित जातियों और जनजातियों में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ अपराधों को दंडित करता है। यह पीड़ितों को विशेष सुरक्षा और अधिकार देता है। इसके लिए विशेष अदालतों की भी व्यवस्था की गई है। एक नज़र दलितों पर होने वाले अत्याचारों के आंकड़ों पर। राष्ट्रीय गठबंधन नाम के एक दलित संगठन के आंकड़ों पर गौर करें तो दलितों पर होने वाले अत्याचारों की स्थिति काफ़ी चिंताजनक है। देश में औसतन हर 15 मिनट में 4 दलित और आदिवासी ज्यादती का शिकार होते हैं। हर दिन 3 दलित महिलाओं के साथ बलात्कार होता है। 11 दलितों के साथ मारपीट होती है। हर हफ्ते 13 दलितों की हत्या कर दी जाती है। 5 दलितों के घरों को आग के हवाले कर दिया जाता है और 6 दलितों का अपहरण कर लिया जाता है। इस संगठन के मुताबिक बीते 15 सालों में दलितों के खिलाफ ज्यादती के 5.5 लाख से ज़्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। कुल मिलाकर 1.5 करोड़ दलित और आदिवासी उत्पीड़न की घटनाओं से प्रभावित हुए हैं। साल 2000 के आंकड़ों पर गौर करें तो दलितों पर ज्यादती के 39,346 मुकदमे दर्ज हुए थे। वहीं मोदी सरकार बनने के बाद ये आंकड़ा साल 2014 में बढ़कर 40,300 के पार पहुंच गया और 2015 में दलितों पर होने वाले अत्याचारों के करीब 38,000 मुकदमे दर्ज किए गए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में 2 अप्रैल को दलित संगठनों के बुलाए भारत बंद के विरोध प्रदर्शन में अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है। देश के कई राज्यों में हिंसक प्रदर्शन, पत्थरबाजी की घटनाओं और आगजनी की घटनाओं में अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है। इस प्रदर्शन की सबसे ज़्यादा भयावह स्थिति मध्य प्रदेश में देखने को मिली, जहाँ अकेले 6 लोगों ने अपनी जानें गंवा दी। केंद्र सरकार की पुनर्विचार याचिका के बाद सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि वह नहीं चाहता कि किसी बेगुनाह को सज़ा मिले और वह अपने फैसले पर कायम रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सभी राजनीतिक दलों से 2 दिनों के भीतर विस्तार से एक रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा है। इस मामले की अगली सुनवाई आज से 10 दिन बाद होगी। आज आए फैसले के बाद दलित संगठनों की क्या प्रतिक्रिया होगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।